नोजल टेस्टिंग मशीन। जी दोस्तों, ये हमारे पास मर्सिडीज एक्ट्रेस, इसकी ब्रेक प्रॉब्लम है। ठीक है, जब हमने अभी कंप्यूटर लगाया, अभी हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अभी हम दिखाते हैं लैपटॉप के जरिए आपको। ये इधर ग्रिप लगता है, इसको बोलते हैं ओबीडी ग्रिप। ठीक है, ये ओबीडी ग्रिप हमने लगा दी है। अभी हम कंप्यूटर के पास आपको लेके चलते हैं। दोस्तों, जो हमें एक्सप्रेस का पता चला है, ठीक है, कंप्यूटर के जरिए, ये देखें, ये बल्ब लगा है। इस बल्ब में प्रॉब्लम है, जो कि ड्राइवर सीट के नीचे की तरफ ये लगा होता है, इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। प्रॉब्लम मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर आपके दोनों साइडों की ब्रेक लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फुगिंग मशीन मेड इन कोरिया। ये इसका कंट्रोल है, इसका रिमोट है, ये इसका मेन स्विच है। उसके बाद ये इधर से धुआं निकलता है, इधर से स्टार्ट होती है ये। इसके कंट्रोल के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वो एक और तरह की अलग कंपनी की है, और ये अलग कंपनी की है। देखने में इस तरह से कोई नज़र आएगी, और जैसा भी धुआं, मच्छर हो, मक्खी हो, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा कैसा भी हो, इस मशीन से वो मर जाता है। हमारे यहाँ हर किस्म की मशीनरी होती है जिनका काम किया जाता है, छोटी से बड़ी तक। काम जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये हमारे पास गाड़ी है, ये इसका ना शीशा ना ऊपर की तरफ जाता है और ना नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे। और ये ऑटोमेटिक भी नहीं है, ऑटोमेटिक स्विच वाली नहीं है, करंट वाली नहीं, ये मैनुअल है। ये देखें, ये मैनुअल हैंड है इसका, देखें, इसको हम लगाते हैं ऊपर। अच्छा जी, देख सकते हैं आप, ये हमने इसका खोल लिया। अच्छा जी, अभी ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, अभी देखते हैं जाता कि नहीं, जाना लग पड़ा है। देखो देखो, ये बस इधर तक रहता है, अभी नीचे भी नहीं आ रहा, बस नीचे इधर तक, ये देखें, इधर तक ऊपर जाता है, इधर तक नीचे आता है। अच्छा जी, मसला आपको बता देते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये आपको मैं यकीनन दिखा सकूं तो, ये देखें, ये तार है, ये तार टूट चुकी है, ये देखें, आपको मैं दिखा सकूं तो, ये तार जो है इसकी, ये टूट चुकी है अंदर से, ये देखें, अभी ध्यान से देखना आपको, मैं अगर दिखा सकूं तो, ये देखें, ये देखें, और ये आपको यकीन नज़र आ रही होगी तार। ठीक है, आपको यकीन नज़र आ गई होगी तार, तार इसकी टूट चुकी है, जो कि टूट के इसके अंदर फंस चुकी है। ये देखें, ठीक है, और इसको हम अभी रिप्लेस करेंगे। इसकी जो मोटर है, ये जो पूरी ये पीछे जो है, ठीक है, इसको सारी को खोल के अभी इसको हम न्यू इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा, ये जुगाड़ वाला काम नहीं है। तार इसकी टूट चुकी है अंदर से बिल्कुल, तो यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी, जिस वजह से शीशा ऊपर नीचे नहीं हो रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी दोस्तों, ये हमारे पास गाड़ी आई है, हमने इसके प्लग साफ़ कर दिए हैं, अभी लीडर लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मिसिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी, अभी हम स्टार्ट करके देखते हैं अब ये मिसिंग ख़त्म हुई है कि नहीं हुई, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी हम गाड़ी में आ चुके हैं, न्यूट्रल देख लेते हैं। अभी आपने देखा कि गाड़ी पहले सलफ पे तो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अभी हम चेक करते हैं इसकी मिसिंग, बिल्कुल स्मूथ है इंजन की, अब कंडीशन चेक करवाता हूँ। जी दोस्तों, इंजन चेक कर सकते हैं आप,
इंजन की कंडीशन बिल्कुल स्मूथ है। यकीनन आपने देखा कि प्लग सफाई करने से गाड़ी में कितना फ़र्क पड़ गया, अभी इसमें एवरेज में भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। एवरेज बहुत अच्छी देने लग पड़ेगी गाड़ी आपकी, ठीक है। जिधर आपका एक लीटर में 5 किलोमीटर करती थी, ठीक है, अभी आधे लीटर में 5 किलोमीटर करेगी। प्लग बहुत ज़्यादा मिसिंग थी इसमें, प्लग गंदे थे, अभी आप देख सकते हैं। अगर गाड़ी आपकी गाड़ी में भी एवरेज में प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ी मिसिंग करती है, आप ज़रूर प्लग की सफाई करवाएं, ठीक है। अगर प्लग ख़राब है तो उनको रिप्लेस करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी दोस्तों। ये स्टीयरिंग पंप है, ये देख सकते हैं आप, ये स्टीयरिंग पंप इस गाड़ी के अंदर सब होता है। ये हमने खोला है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसके अंदर ऑयल भी नहीं है, ये देख सकते हैं ऑयल भी नहीं है, और इसमें चिरचिर की आवाज़ आ रही है। जब स्टीयरिंग आपका टाइट हो जाता है तो इसके अंदर आपने देख सकते हैं ऑयल नहीं होगा तो टाइट होगा स्टीयरिंग आपका, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है टाइट इसलिए होता है। अगर ये बेल्ट है, ये बेल्ट भी अगर इसके ऊपर से उतर जाए या टूट जाए, ये पुली घूमती है इस तरीके से, ठीक है, इंजन के साथ पुली भी घूमती है। अगर ये पुली नहीं घूमती, आपने देख लेना बेल्ट तो नहीं कहीं टूट गया, कहीं बेल्ट टूट जाए तो भी स्टीयरिंग बहुत सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है, ठीक है। ये पाइप है, ये पाइप अगर जाम हो जाए, ठीक है, सुराख जाम हो जाए तो भी इसमें ऑयल वर्किंग नहीं करता, तो भी ये जाम हो जाता है, ठीक है। अभी हमने खोला, अभी इसको हमने, इसकी जाली होती है अंदर से, वो भी अगर जाम हो जाए तो भी स्टीयरिंग सख्त हो जाता है, इसमें वर्किंग सही तरीके से नहीं करता। अभी हमने जाली खोली है इसकी, ठीक है, ये देख सकते हैं। अभी हमने इसको रिपेयर करेंगे, इसकी अभी सारी हम सफाई करेंगे, उसके बाद फिर आपको बताते हैं इसमें क्या है पार्ट टू में, ठीक है। तो यकीनन आप मेरी बात समझ आओगी, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग पंप। अगर ये ख़राब हो जाए, इसके अंदर ऑयल ना हो तो भी आपका स्टीयरिंग टाइट हो जाएगा, ठीक है। आपने ये ऑयल ज़रूर चेक करते रहना है, ठीक है। अगर ये मतलब कि फ्री घूमेगा तो आवाज़ आएगी बहुत ज़्यादा, और ये पंप बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा अगर इसके अंदर ऑयल नहीं होगा तो। जैसे इंजन के अंदर ऑयल ना हो, इंजन सीज हो जाता है, इसी तरीके से ये भी काम करता है पंप। अगर इसमें भी स्टीयरिंग ऑयल नहीं होगा तो क्या होगा, ये इंजन सीज हो जाएगा इसका, ये जो पंप है ये नीचे की तरफ से ये सीज हो जाएगा, ठीक है, वर्किंग नहीं करेगा, ये पुली जाम हो जाएगी और बेल्ट भी टूट जाएगा आपका। ये सारा काम ये करवाता है किसको, स्टीयरिंग को, स्टीयरिंग का इसका काम होता है बस, सिर्फ और सिर्फ। ये स्टीयरिंग पंप है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टीयरिंग पंप को ही लूज़ करवाता है, ठीक है। आप आसानी स्टीयरिंग की वर्किंग करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी दोस्तों। आपको पता है ये क्या चीज़ है, ये करंट पैदा करने वाला गाड़ी के अंदर ये पुर्जा लगा होता है, इसका नाम है जनरेटर, अल्टरनेटर भी बोलते हैं, जनरेटर भी बोलते हैं। ये इधर से करंट निकालता है, इधर से ये क्या करता है, करंट निकालता है, डीसी करंट निकालता है, जो कि बैटरी के अंदर चार्ज होता है। ये ही होता है चार्जर, जो कि चार्ज करता है जब इंजन घूमता है, इसके ऊपर बेल्ट चढ़ा होता है इस तरीके से। जब ये इंजन घूमता है इस तरीके से, जब घूमेगा ना ये, ठीक है, जब इस तरीके से घूमेगा तो क्या होगा, ये करंट पैदा करता है। करंट वो कौन सा होता है, डीसी करंट होता है, जो कि बैटरी के अंदर चार्ज होता है। अगर ये पुर्जा ख़राब हो जाए तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, लाइटें सही तरीके से ऑन नहीं होगी, मदम लाइटें चलेंगी अगर ये करंट सही पैदा नहीं करेगा तो। ये अगर ठीक होगा तो आपकी बैटरी भी सही चार्ज होगी, गाड़ी भी स्टार्ट होगी और लाइटें भी हर चीज़ सही तरीके से अपना वर्किंग करेंगी, गाड़ी मिसिंग भी नहीं करेगी और एवरेज भी अच्छी देगी। अगर ये ख़राब है तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसको बोलते हैं जनरेटर, अल्टरनेटर, यही करंट पैदा करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस जो गाड़ी है ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम है इस, ये स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्टिंग प्रॉब्लम इसमें क्या है, मसला क्या है, ये देख सकते हैं आप, इसका ये फ्यूज़ जल चुका है, ये देख सकते हैं ये फ्यूज़, ये बाहर निकाला हमने, और ये पहले तार भी डाली हुई थी हमने, तार भी ख़राब हो चुकी है, ये देख सकते हैं, और ये फ्यूज़ जल चुका है। अभी हम इसको लहम कर देंगे, टंका लगा देंगे इधर, ये देख सकते हैं फ्यूज़ जल चुका है अंदर, इसलिए ये मेन फ्यूज़ था सल्फ वाला, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। तो इसको अब लहम करके टंका लगा के लगाएंगे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यकीन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी, ये फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है इस साइड पे, ये स्टार्टिंग का बड़ा फ्यूज़ था वो जल चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लहम हो चुका है, टंका लग चुका है। ये हमारे पास जनरेटर है, ये आप देख सकते हैं,
ये स्टार्ट नहीं हो रहा, चाहे वो आप पानी निकालने वाला जनरेटर हो चाहे बिजली पैदा करने वाला जनरेटर हो, अगर वो स्टार्ट नहीं हो रहा आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, प्लग चेक कर लेना है। ये देख सकते हैं इसका प्लग ख़राब हो चुका है, ठीक है। ये देखिए अभी हम न्यू प्लग लगाएंगे इसका, ये स्पार्क प्लग हम न्यू इंस्टॉल करेंगे इसमें। और उसके बाद ये देखें इसमें क्या था, ये देखें बिल्कुल पतला हो चुका है, इसमें क्या पेट्रोल और ऑयल मिक्स है, इधर से हमने निकाला, ये देख सकते हैं इधर ऑयल डलता है, सिर्फ और सिर्फ ऑयल डलता है इसमें, क्या इसमें पेट्रोल और ऑयल मिक्स हो चुका है। इसको उल्टा किया है किसी ने या फिर किसी तरीके से भी, ये अगर ये पेट्रोल ऑयल मिक्स हो जाए फिर ये जनरेटर क्या होगा, जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने इसमें ऑयल न्यू इंस्टॉल करना है, न्यू डालना है ऑयल, ठीक है। ये देख सकते हैं बिल्कुल पतला हो चुका है, ये ऑयल है पेट्रोमैन का, अच्छे वाला ऑयल है, ये 20W50 ये ऊपर लिखा हुआ भी है, ये हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे, न्यू प्लग लगाएंगे, इधर प्लग लगता है तो उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा आपका ये जनरेटर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। ये जेसीपी का गियर है, ये आप देख सकते हैं, जब हमने ये फ़िल्टर निकाला इधर से, ये फ़िल्टर होता है इसमें लगा होता है इस साइड पर, ये हमने खोल लिया बाहर की तरफ निकाला, ये देखें बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा है, इसके अंदर कोई चीज़ टूट गई, यहाँ तो बैरिंग टूट गई या क्या मसला, ये देख सकते हैं, ये देखें ये अंदर से कचरा निकल रहा है, ये देख सकते हैं आप। इससे क्या साबित होता है कि इसके अंदर बैरिंग टूट चुका है, ये इसको हम खोलते हैं अभी, ये जो बोल्ट है ना ये सारे, ये हम बोल्ट खोलेंगे, दोस्तों। जब भी आप ये रेडिएटर का ढक्कन खोल कर पानी डाल रहे हैं तो आपने सफ़ेद पानी नहीं डालना, आपने ये वाला पानी डालना है, ठीक है। ये कूलेंट डालना है, कूलेंट, इससे क्या होता है इससे रेडिएटर में जंग भी नहीं लगता, रेडिएटर की जालियां भी बंद नहीं होती और रेडिएटर गर्म भी नहीं होता, गाड़ी इंजन भी हीट अप नहीं होता, इंजन की एवरेज अच्छी रहती है, इंजन ठीक रहता है। और उसके बाद गाड़ी की सुई वाली जो हीट वाली सुई है वो भी मतलब कि नीचे ही रहेगी, उठेगी नहीं जब आप ये कूलेंट डालेंगे। तो जब भी आप कूलेंट डालें और ये वाला डालें, ये आपको मैं ढक्कन खोल के दिखा देता हूँ कि किस कलर में होता है, ठीक है। यकीन आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी, आपने देख भी लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों मैं बैटरी के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो कि सेल्फ के ऊपर तार लगी होती है ना, ये वाली ये सुरह तार होती है, ये जो आ रही होती है आपने लगानी है जमा के ऊपर, ठीक है, जमा के ऊपर लगानी है, ठीक है। और कोई भी तार हो इसमें कोई भी कलर हो सकता है, नीला पीला गुलाबी कोई भी कलर हो जाए, ठीक है। आपने किस पे लगानी है, जमा पे, जो कि सलव के साथ लगी होगी तार, जो कि बॉडी के साथ लगी होगी, बॉडी के साथ कहीं भी, इधर लगी हो चाहे इधर लगी हो, इधर लगी हो, बॉडी के साथ कहीं भी तार टच हो, बॉडी के साथ लगी होनी चाहिए, अर्थ होता है ये नेगेटिव होती है, आपने बैटरी की नेगेटिव पर लगानी है। जो बॉडी के साथ आ रही होगी तार वो आपने नेगेटिव पे लगानी है, जो कि सलव के साथ, ये सलव लगा हुआ है, जो गाड़ी स्टार्ट करता है घूमता है ना सलव, घूम घूम घूम, ये वो है, ठीक है। ये जो है ये जमा होती है, ठीक है। जब जमा और नफी का प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने बैटरी खड़े खड़े 2 माह खड़ा रहा जनरेटर आपका या गाड़ी खड़ी रही है, आपको चार्ज करवाने की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रिशियन को बताएंगे, आपने खुद ही ये खोल लेके बैटरी ले जानी है, आपने देखना जो सलफ से तार आ रही होगी ये जो, ये आपने जमा पे लगानी है, ठीक है। तो जो कि या पिक्चर खींच लेनी है आपने, ठीक है, जो कि नेगेटिव है, ये जो बॉडी के साथ लगी होगी ये नेगेटिव होगी, तो आप आसानी बैटरी को चार्ज करवा कर घर ला कर फिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूछते हैं कि बार बार एसी ट्रिप क्यों करता है, अगर एसी बार बार ट्रिप कर रहा है तो आप समझ जाएं कि आपने गैस ज़्यादा भर दिया है, गैस ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें गैस आपने भरनी है 30 पाउंड तक आपने गैस भरनी है, आपने 70-80-100 भरेंगे गैस तो फिर आपका एसी बार बार ट्रिपिंग भी करेगा ट्रिप करें बाद में, और या फिर अगर आपका कंप्रेसर ठीक नहीं है तो भी ऐसे होता है, ज़्यादातर आप गैस ज़्यादा भर देते हैं तो बार बार ट्रिप करेगा। अगर आपने वैक्यूम सही तरीके से नहीं किया, हवा सही तरीके से पाइपों के अंदर से नहीं निकाली तो भी ट्रिप करेगा। लीक नहीं है। ये आपने गैस कितना डालना है इधर तक, 20 या 30? Thank you.
गीस खींचिए, बस चेक कर दो एक्सीलेटर जो नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा खींचिए, ज़्यादा नहीं। इधर एक्सीलेटर देते हैं, ये सुई नीचे की तरफ जा रही है। ये जो ये है ना, थोड़ा थोड़ा सा बात इधर ही, हवा चेक करो, हवा ठंडा है अभी, कूलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, ये पाइप भी बहुत ठंडा हो रहा है, ठंडा ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। चेक कर लो जी, पहले जो इधर है स्थल जी जी, थोड़ा थोड़ा कीजिए। हाँ अभी देखें, अभी 20 पे आ गए, 30 पे सॉरी, चेक करो। हाँ 30 बस, ज़्यादा नहीं डाले। ये जो ठंडा चेक करो, ठंडक भी बहुत ज़्यादा हो गया है और गैस हमने 30 पाउंड भर दी है। ये देखें 30 पे सुई आ गई है, ये देखें 30। कितना ही 30 ज़्यादा नहीं डाले, ये जो पहला 70 है, पहले 70 हवा नहीं डालना, 40 नहीं डालना, 50 80 नहीं डालना, आपने क्या डालना, किधर तक डालना है गाड़ी में गैस, 30 पाउंड, ये देखें 30 पे है, ये 20 है और ये 30। बस सब्र करो तो सही काम करो, बस ये देखें कंप्रेसर सही तरीके से अभी चल रहा है, अगर हवा होगी तो ये ट्रिपिंग बार बार करेगा, इधर पूरा प्रेशर पानी मार दो, ये जाली साफ ज़्यादा जी। दोस्तों ये इंजन है हमारा, इसकी ये एक फिटिशन लगा हुआ है और एक इस साइड पर फिटिशन लगा हुआ है, इसमें रबड़ होता है, ये देख सकते हैं आप, ये रबड़ अगर टूट जाए ना तो गाड़ी मिसिंग ना भी करती हो तो इंजन बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे मिसिंग करेगा, ठीक है, हिलेगा बहुत ज़्यादा और वाइब्रेट करेगा बहुत ज़्यादा अगर ये टूट जाती है तो। ये भी टूट चुकी है, मिसिंग कर रही थी बहुत ज़्यादा और इंजन इसका वाइब्रेट कर रहा था बहुत ज़्यादा, और ये देखिए अब इसकी हम जो है ये फिटिशन जो है हम न्यू इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, इसको कुर्सी भी बोलते हैं, फिटिशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लगाने लगे हैं इधर इंजन के साइडों पर, एक ये साइड है इसकी इंजन की, एक ये साइड है। बहुत से फ्रेंड मुझे बोलते हैं कि अविको अविको गाड़ी हमारे पास, इसके फ्यूज़ बॉक्स किधर है, ये फ्यूज़ बॉक्स इधर लगा, ये देखें, ये एक ये एक ये बुल्ट खोलेंगे उसके बाद इसको ऐसे खोलेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये इसके फ्यूज़ लगे हैं, ये इसके फ्यूज़ हैं सारे आप देख सकते हैं। इसको अभी मैं ये पेज खोलूँगा और ये वाला पेज खोलूँगा, इसको ये सारा बाइक की तरफ आ जाएगा, उसके पीछे भी कुछ सामान लगा हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूज़ जो लगे हुए हैं ये इस किस्म के लगे हुए हैं फ्यूज़, ये देख सकते हैं आप। इसको चेक करने का क्या तरीका है, इसको आप ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे और उसके बाद ये देखेंगे, ये देखें तार एक अंदर लगी है, ये सामने नज़र आ रही है, ये तार जल जाती है, इसको चेकिंग का ये तरीका निकाल के आपने चेक करना है, ये देखें ये तार लगी हुई, ये तार जल जाती है, अगर तार ठीक है सीधी है तो इसका मतलब है कि सही है आपका फ्यूज़, एक एक निकाल के आप चेक कर लें। और ये फ्यूज़ चेक करने का क्या तरीका है, और ये भी इधर ये देखें, ये देखें इसकी भी ये तार लगी हुई है, देखें इसकी भी ये तार लगी हुई है, ये तारें लगी हुई हैं, अगर ये जल जाए तो ये ब्लैक हो जाता है। और ये कटआउट लगे हुए हैं, ये स्टार्टिंग का कटआउट लगा हुआ है, ठीक है, ये चाबी स्विच का लगा हुआ है, इस तरीके से ये चीज़ें नसब होती हैं, जो चीज़ ख़राब होती है आप चेक कर सकते हैं और आप मेरे से कॉल करके पूछ भी सकते हैं, भाई इस अविको में हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है बता दें तो मैं आपको बता दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जी दोस्तों, ये जनरेटर हमारे पास गाड़ी का खोला है मैंने, इसमें लाइट आ रही थी बैटरी वाली। अभी देखें इसको, ये कम्यूटेटर इसकी सफाई करेंगे ये रेगमार की मदद से। और दूसरे नंबर पर ये देखें कड़ा है मेरे पास, इसके कार्बन ख़त्म हो चुके हैं। इधर से ये देखें, ये कार्बन, ये देखें कार्बन, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये कार्बन बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम न्यू कार्बन डालने के, इनमें तो इनमें देखें कितना फ़र्क है, ठीक है, ये कितना लंबा कार्बन है। और ये देख लें, बिल्कुल साथ लग ही नहीं रहा था कम्यूटेटर के। ये किधर लगता है पता है आपको? जी दोस्तों, ये इस साइड पे इधर घूमता है, ये इधर एक इधर घूमता है, एक इधर घूमता है। अगर इनमें से एक भी साथ नहीं ना लगेगा तो जनरेटर काम अपना नहीं करेगा, करंट पैदा नहीं करेगा। अभी ये देखें, ये ख़त्म हो चुके हैं। और ये लंबा कार्बन है, ये देखें, ये सही तरीके से साथ लग के वर्किंग करवाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये देखें मैंने कार्बन डाल दिए हैं इसके, और इस साइड पर मैंने इसकी मरोड़ी दे दी है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने इसको मरोड़ी दी है, दोनों के अंदर डाल के सुराख के अंदर से गुजार के। तो उसके बाद आपने ये ऐसे कर लेना है, उसके बाद ये देखें इतना फ़र्क हो थोड़ा बहुत, ठीक है, ये अंदर की तरफ सही वर्किंग करे। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है, अभी हम इसको लहम कर लेंगे, टांका लगा लेंगे किधर, इधर इस जगह पे, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। किसकी मदद से? ये काविया की मदद से, ये अभी काविया हमारे पास, इसको हम अभी इससे टांका लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये देखिए मैंने टांगा लगाया एक ही साइड पे और एक ही साइड पे। अभी हम इस इधर से भी काट देंगे और इधर से भी, ये जो बुचड़ी बनी हुई है इसको हम बाइक की तरफ खींच देंगे, फिर अलग अलग वर्किंग करेगा कार्बन जो है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल सही तरीके से ये अंदर की तरफ वर्किंग कर रहा है, अगर अंदर की तरफ सही वर्किंग नहीं कर रहा तो फिर ख़राब है। अभी हम इसका मतलब सही टांगे लगा देंगे, अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे, इसको पहले काट देंगे। जी दोस्तों, ये देखें आप, बुचड़ी मैंने इसके आगे से काट दी है, जो कि आगे बचा हुआ था कार्बन की तारें, एक ही साइड पे लगी हुई थी और एक ही साइड पे आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल काट के सफाई कर दी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी ये काविया जो है अभी हम इसको बंद कर देंगे, इसका जो स्विच है वो बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये दोस्तों, जैसे बी लिखा हुआ, इधर जनरेटर की मेन तार लगाएंगे जो बैटरी से आ रही है वो लगाएंगे, इस जगह पर गडेंसर लगाएंगे, गडेंसर। ये जो इस साइड पे लगा है ये भी टूट चुका है, ये भी हम इस पर रिपेयर करके या नया लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें इसकी अपनी फिटिंग आ चुकी है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको हम इसके अंदर बिठा देंगे, उसके बाद हम ये बुल्ट टाइट कर देंगे, फिर मसला हल हो जाएगा। ये बुल्ट इसके पड़े हैं तो आपका जनरेटर सही तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा। बहुत से फ्रेंड्स के सवालात हैं कि ये रेस है, ये ब्रेक है, क्लच है, स्पीड से गाड़ी जा रही है तो कैसे रोकें हम इसको, गाड़ी को कैसे रोकना है, क्लच दबाकर रोकना है और ब्रेक दबाकर रोकना है, कैसे रोकना है। सबसे पहले पूरी दुनिया में ये कानून है कि अच्छा जो ड्राइवर होता है वो सबसे पहले ब्रेक ही दबाता है, फिर आपने क्लच दबाना है। आप भी क्या करेंगे, आप भी क्या करेंगे, आप क्लच नहीं दबाएंगे सबसे पहले। आप सबसे पहले गाड़ी को रोकने के लिए, अगर 80-100 की स्पीड पर, 120 की स्पीड पर जा रही है, आप सबसे पहले ब्रेक दबाएंगे, ठीक है। ब्रेक दबाने से गाड़ी कंट्रोल हो जाती है और क्लच दबाने से गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, ठीक है। जब गाड़ी रोकने के करीब आ जाए फिर आपने इस तरीके से क्लच दबा के फिर ऐसे ब्रेक भी दबा लेनी है इस तरीके से, यकीन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। और एक्सीलेटर से पाँव उठा लेना है। जी दोस्तों, ये हमारे पास है असीजर डोमैक्स, इसका प्रॉब्लम बताता हूँ जी। ये देखें, ये हमने इसका पंप भी खोल लिया, इंजन के साथ इस साइड पे ये पंप लगा होता है जो कि मैंने खोल लिया है, ठीक है। इसकी सील ली कर गई है पंप वाली, ठीक है। तो ये देखें इसके प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर ये गेज है ऑयल, ये ऑयल और डीजल इसके अंदर मिक्स हो चुका है, ऑयल और डीजल है इसके अंदर मिक्स हो चुका है। ये देखें, ये ऑयल पतला हो जाता है, ठीक है। ऑयल पतला हो जाने का क्या मकसद है कि इसके अंदर डीजल चला गया, अगर डीजल चला जाए तो इंजन ख़राब हो जाता है, इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो अभी हमने इसकी सील नहीं डालेंगे, देखें अभी आप। ये दोस्तों, इसका हमने सारा सामान खुल कर रखा हुआ है और ये सील है इसकी, जो कि ये पंप है, ये पंप है और ये इसकी सील है, ये हमारे पास ये भी सील हमने निकाली है बाहर की तरफ, अभी इधर हम नहीं डालेंगे। ये देखें, ये सुराख देख रहे हैं सामने, ये सुराख होता है जो कि ये सील इसको रोक के रखती है, इससे डीजल बाहर इंजन के अंदर नहीं जाता। अगर इंजन के अंदर डीजल चला जाता है तो ऑयल इसका पतला हो जाता है और इंजन के अंदर नुकसान होते हैं कोई ना कोई, ठीक है। तो अभी हम इस सील को नया डालेंगे, ठीक है, बिल्कुल न्यू इसके अंदर फिटिंग करेंगे। ये देखें इधर ये बैरिंग होता है, ये बैरिंग होता है जो कि इसको सर्कुलेशन करता रहता है डीजल की, इधर भी क्योंकि इधर बैरिंग होता है, अगर खुश्क चलेगा तो इसका ये सुराख का मकसद इसलिए इन्होंने दिया हुआ सुराख, जो कि इधर सील लगती है जो कि इंजन के अंदर ऑयल नहीं जाने देती, इधर दबा के रखती, इसके अंदर ही जो है ना सर्कुलेशन करता रहता डीजल, ठीक है। बाहर की तरफ डीजल नहीं आता, अगर बाहर की तरफ डीजल आ रहा समझेगा अभी सील ख़राब है, ये पंप है, ठीक है।
जी दोस्तों, ये हमारे पास है शेवल 4 का हुआ। ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो रहा था, इसके अंदर कोई थर्मोस्टेट वाल का मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं, पानी भी बिल्कुल इसका ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसका रेडिएटर की प्रॉब्लम है, रेडिएटर क्या, रेडिएटर की इसकी सफाई होने वाली है, बहुत ज़्यादा ये ख़राब है रेडिएटर, ठीक है। इसको भी हम खोल के, ये हमारे पास पड़ा है रेडिएटर, इसको हम खोल के इसकी सफाई कराएंगे और ये मसला हल हो जाएगा। ये देखें पहले आपने किस किस तरीके से जालियाँ खोलनी हैं, ये आप देख लें, ठीक है। आपने क्या क्या प्रोसेस करना है आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं शेवल 4 का हुआ, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ये अभी देख लें, बहुत ज़्यादा हीट अप हो रहा था, अभी हमने इसका रेडिएटर खोल दिया, ये दिखने में इस तरीके से नज़र आता है आपको। जी दोस्तों, अगर आप कहीं लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, आपका कोई शूज़ कोई ना कोई जल जाएगा, ठीक है, आपको नहीं पता चेक लाइट से कैसे चेक करना है, आपने क्या करना है, आपने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गाड़ी का बानट खोल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बैटरी की तार जो कि जमा पर लगी होगी, ये जमा का निशान होगा, इधर से एक तार लेनी है आपने, कोई भी तार, इधर से बांध रही है, इधर से इधर एक लगानी है तार ऐसे, ठीक है। तार लगा के इतनी लंबी लेनी है कि उधर से लेकर जो जमा का निशान है, इधर से लेकर इधर तक आ जाए, ये इधर तक आ जाए, किधर तक, ये रेजिस्टेंस, ये कॉयल की यहाँ तो इधर लगी होती है रेजिस्टेंस, यहाँ से इधर लगी होती है, इसे किसी भी पॉइंट पे इधर लगा लें चाहे इधर लगा लें, जमा का निशान इधर से आपने ये खोल के इधर टाइट कर लेना, ऐसे घुमा लेना किसी चीज़ का, हाथ की मदद से इसको ऐसा मरोड़ी दे लेनी है, इसको तार को छील के आगे से, किधर से लेकर जमा से लेकर ये जमा का नफी नहीं लेना, ठीक है, नफी से स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी, जमा से ये जमा का निशान इधर से लेकर इधर तक आपने तार लगा लेनी, आपके पास गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आप आसानी अपनी मंजिल तक पहुंच के अपने फ्यूज चेंज करवा लें, जो मसला है हल करवा लें, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जी दोस्तों, ये है हमारे पास JCB, इसके अंदर एक प्रॉब्लम बहुत अहम आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये फिल्टर लगा है, इस फिल्टर को आप हवा नहीं मारते, ठीक है। ये देखें, इस फिल्टर को बहुत से फ्रेंड्स को नहीं पता, इस फिल्टर के कमालात क्या हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, कंपनी ने दिया हुआ किस लिए है, इसको इधर से खोलना होता है ये वाला, तो इधर से सफाई करनी होती है। आप हवा फिल्टर को, एयर फिल्टर को तो हवा मार के आप उसकी सफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको आप नहीं खोलते। इसके इतने से फ़ायदे हैं, अगर आप गाड़ी आपकी ये JCB है जो, ये जोर नहीं लगा रही, मिसिंग कर रही है, डीजल ज़्यादा पी रही है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिस जो आपको सॉल्व नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा, आप इस फिल्टर को ज़रूर खोलिएगा, शीशे फिल्टर को। शीशे फिल्टर के JCB के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो अगर आपको इस फ़ायदों का पता चल जाए, तो आप इसकी सफाई ज़रूर करेंगे इस फिल्टर की। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसी फिल्टर की ज़रूर सफाई करवा लीजिए। हमारे पास भी ये कोई मसले आ रहे थे बहुत ज़्यादा, इस फिल्टर की सफाई से मसले हल हो चुके हैं। जी दोस्तों, अगर आप हमारे ये JCB है कॉटरपिलर, अगर इसका तरीका हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि Part 1 में ये मैं बता रहा हूँ, और Part 2 में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये देखें, ये R रिवर्स किस लिए है, N से F ये किस लिए होते हैं, ये बटन किस लिए लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये बटन का बहुत बहुत अहम काम है। अगर ये सीखना चाहते हैं आप, ये डंडी किस लिए लगी हुई है, ये देखें, और ये किस लिए ये बटन लगा हुआ है। अच्छा जी, ये एक लीवर है, इसके ये बटन लगा है, एक ये लीवर है, इसका बटन लगा है, इस ये बटन लगा है, ये किस लिए काम करता है, किस तरीके से ये दोनों लीवरों को काम करवाना है। उसके बाद ये बटन किस किस चीज़ के लगे हुए हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये लीवर किस लिए लगे हुए हैं, ये बटन किस लिए लगा हुआ है, ये किस लिए लगा हुआ है, ये लीवर, तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे तो ही उसको बताया जाएगा। जी दोस्तों, न्यू बैटरी इंस्टॉल 50 एम्पेयर, ठीक है, ये लिखा 50 लिखा हुआ है, जमा और नफ़ी, इसकी मैंने लीडें खोल दी हैं, ये मिक्स हो गई हैं, जमा की भी मिक्स हो गई है और नफ़ी की भी मिक्स हो गई है। अभी मुझे पता नहीं चल रहा ये इधर लगानी है कि ये लगानी है, ठीक है, अभी कैसे पता चलेगा मुझे कि ये जमा की इधर लगानी है नफ़ी की, ये देखें, अभी ये देखें, ये भी इधर लग रही है, ये भी इधर पहुँच रही है, और ये भी इधर पहुँच रही है। अच्छा, आपने क्या देखना है, देखना है जो बॉडी के साथ, ये जो बॉडी है ना, ये इसके साथ जो लीड लगी हुई है, ये वाली, ये होगी नफी वाली, नेगेटिव, ये आपने इधर लगानी है, ये देखें, जो कि बॉडी के साथ टच होगी, बॉडी के साथ कसी होगी, ये वाली नफी पे लगेगी, ये देख लें, ये नफी पे लग गई है। अच्छा, जो कि वायरिंग के अंदर से आ रही होगी तार, आपने देख लेनी है, ये लगेगी किसके ऊपर, जमा के ऊपर, ये देखिए, ये जमा का निशान है,
इसके ऊपर ये हम लगा देंगे, फिट कर देंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं, ठीक ज़रूरी नहीं कि यह सुरह कलर की पट्टी लगी हो तो वो ही पॉजिटिव होगा, ऐसे भी होता है। आपने ध्यान से देख लेना, ये जो है जो कि बॉडी के साथ टच होगी वो होगी नेगेटिव, जो कि वायरिंग के अंदर से आ रही होगी तार वो होगी पॉजिटिव, जो कि जमा के ऊपर लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।